आज हम बनाना बता रहे हैं आपको काफ्तान। तो ये 2 साल के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है सिल के। तो चलिए फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरे पास 1 मीटर कपड़ा है और इसके अंदर से मैं 2 साल के बच्चे के लिए काफ्तान बना रही हूँ। तो यहाँ से हम इसकी लंबाई रखेंगे 22 इंच। इस तरह से हम यहाँ से नापेंगे और इसको इस तरह डबल करके हम नाप लेंगे। यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे निकाल के। तो ये देखिए हमने इसकी लंबाई निकाल ली है और चौड़ाई यहाँ पे अर्ज़ का डबल कपड़ा है ये। तो यहाँ पे मुझे इसकी चौड़ाई जो रखनी है वो परफेक्ट आ रही है। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई जो आ रही है वो 22 इंच है। तो यहाँ से अब इसके अंदर ये जो बन वाला साइड है इसको हम ऊपर शोल्डर की तरफ रखेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह डबल करके नेक का निशान भी लगाऊंगी। चौड़ाई 2 इंच। बैक की जो कटिंग करेंगे वो भी हम 2 इंच करेंगे। और यहाँ से बैक की कटिंग करने के बाद फिर मैं फ्रंट साइड की थोड़ी सी 1 इंच और बड़ी कर दूँगी नेक। इस तरह से खोल लेंगे हम इसको। अब 1 इंच यहाँ से हम फ्रंट साइड का जो है वो और ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब यहाँ से इसके अंदर मैं एक सीधा कट लगाऊंगी। तो यहाँ हल्की सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी गले की। तो ये 2 इंच जितना मैं एक सीधा कट लगाऊंगी फ्रंट साइड वाले पे। देखें इसकी कटिंग हो गई है। ये देखें जो हमने आगे कट लगाया है इसके अंदर यहाँ पे, तो ये वाली पट्टी मैं इसके अंदर लगाऊंगी। इस तरह से इस पट्टी को निकाल लेते हैं हम। यहाँ से सेंटर में बिल्कुल इसके कट लगा लिया। इसको यहाँ से हम बिल्कुल बारीक सा दबा देंगे इस तरह से चारों तरफ से इसके। तो यहाँ पे हम इस तरह से दबाने के बाद इसके अंदर लगा देंगे शर्ट। इसी तरह यहाँ पे हम इसमें से और ये पट्टी कटिंग कर लेते हैं। इस कपड़े को इस तरह करके और ये बनाएंगे। तो यहाँ पहले हम इसको एक दफ़ा इस तरह से करके मोड़ लेंगे ताकि हम जब बेल लगाएंगे तो फिर ये इस तरह अंदर तक चली जाएगी। तो इसके यहाँ धागे वगैरह जो हैं वो भी सब अंदर की तरफ चले जाएंगे। तो ये देखें इस तरह फोल्ड करने के बाद अब ये वाली लेस को हम यहाँ पे उल्टा रखेंगे और कपड़े को सीधा रखेंगे। इसके साथ इसको लगा देते हैं। तो ये देखें चारों तरफ इसमें ये वाली भी हमने लेस लगा ली है। अब यहाँ पर हमें इसको इस तरह करना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए और इसके सिर्फ कंगूरे नज़र आए हमें। तो ये देखें हमने इस पर खड़ी सिलाई भी लगा ली है और ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ फिक्स हो गई है बेल। तो अब यहाँ पे हमें इसका गला बनाना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा कट है इसके अंदर हम इस कट को बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम इसके किनारों को मोड़ेंगे। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर सिलाई लगाऊँगी मैं। तो ये देखें फ्रंट साइड है और यहाँ पे जो हमने कट लगाया था इस कट के अंदर हमें ये वाली पट्टी लगानी है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पे जो लास्ट आ रहा है हमारा कट बिल्कुल इससे मिलाएंगे और यहाँ पे इसमें बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखें इस पट्टी को सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे इसके कट को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। बिल्कुल सिलाई तक लेके आएंगे एहतियात से कि सिलाई ना कटे। इसको बैक साइड पर टर्न कर देंगे पूरा। यहाँ पर इसको जमाने के लिए इसमें यहाँ पर बारीक सी सिलाई लगा देंगे। अब इसको यहाँ बराबर कट कर लेंगे। तो यहाँ पे यहाँ इस तरह हम कॉर्नर को दबाएंगे इसके और इसमें यहाँ पे इस तरह की पट्टी लगा के इसको बैक साइड पे टर्न कर देंगे। तो ये देखें इस तरह की हमने सिलाई लगा ली है गोल पट्टी। और अब यहाँ से हम इसका कॉर्नर इस तरह दबाएंगे और इसको पूरा बैक साइड की तरफ टर्न कर देंगे। यहाँ पर मैं जब इसको दबाऊँगी बैक साइड से तो इसमें यहाँ पे ये रख के ये मेरे पास बिल्कुल बारीक वाली रिबन है। तो यहाँ डोरी के लिए मैं इसको लगाऊंगी। अगर आपके पास ये वाली रिबन नहीं है तो आप यहाँ पे डोरी भी लगा सकते हैं और ये लूप्स लगा के यहाँ बटन भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ ये डोरी को लगाऊंगी। तो यहाँ देखें इस तरह हमारा गला भी बन के तैयार है। इस तरह यहाँ पे मैं अभी फुलने लगा दूंगी इसके अंदर बना के कपड़े के। तो अब यहाँ पर हमें इस तरह से करना होगा। इसको बैक साइड से हम इसको उल्टा करेंगे और बिल्कुल बराबर मिलाएंगे और बराबर मिला के एक दफ़ा और इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। तो चाहे तो आप चौक से निशान लगा लें या फिर अगर मैं तो इस्त्री से निशान लगा लेती हूँ इसके अंदर। तो हमें सिर्फ इसमें क्रीज़ के निशान लगाने होंगे। इसमें यहाँ पे सेंटर में इस तरह की लास्टिक लगानी होगी। तो इस तरह लास्टिक लगाएंगे। यहाँ फ्रंट और बैक दोनों पर मैं लास्टिक लगाऊँगी और लास्टिक की लंबाई ले लूँगी मैं 6 इंच। तो 6 इंच इस तरह से बराबर निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से लंबाई नापेंगे। ऊपर से। तो यहाँ जितने बच्चे की कमर आती है उसी हिसाब से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो फ्रॉक की बॉडी आती है उसी का हम हिसाब रखेंगे। तो यहाँ बॉडी हमारी तकरीबन, ये 2 साल की बच्ची है तो इसकी बॉडी आएगी यहाँ पे 8 इंच पे। तो 8 इंच पे इस तरह से मैं यहाँ पे एक निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, अच्छे से जमा के निशान लगा लें ताकि चारों पे एक साथ निशान आ जाए। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम इस तरह चौक से भी इसमें निशान लगा सकते हैं। तो ये हमने 8 इंच का निशान लगाया है ऊपर से। अब यहाँ से हम 4 इंच छोड़ेंगे, 4 इंच छोड़ के एक निशान और लगाएंगे इस तरह से। जहाँ से हमें इलास्टिक लगानी होगी यहाँ से यहाँ तक के पूरे हिस्से में इलास्टिक लगानी होगी इस तरह रखते हुए। इसको यहाँ पे इस तरह खोल के और यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में हमें ये इलास्टिक लगानी होगी। तो ये हमें इस तरह यहाँ पे ये इलास्टिक लगानी होगी। देखें जिस तरह एक साइड पे हमने लगाई है, ये फ्रंट साइड है तो इसी तरह हम यहाँ पे बैक पे भी लगा लेंगे। तो ये देखें इस तरह हमने फ्रंट और बैक दोनों पे इस तरह इलास्टिक लगा लिए। अब यहाँ पे हमें आस्तीन का जो साइज़ है, यहाँ से तकरीबन मैं आस्तीन के लिए 5 इंच का छोड़ूंगी ऊपर से। और इसके बाद यहाँ से हम निशान लगा के इसके अंदर जो ए लाइन शेप होता है उस शेप के अंदर यहाँ पे इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हम इसका थोड़ा सा चाक खोल देंगे नीचे से। तो इस साइड की सिलाई को भी लगा लेती हूँ मैं। तो ये देखें इस तरह हमारी ये साइड की सिलाई भी हमने इसमें लगा दी है। तो इसके अंदर इस तरह साइड की सिलाई लगी हुई होती है और सिर्फ आस्तीन का होल खुला हुआ होता है ये। तो अब यहाँ पर ये शर्ट हमारी सिल के तैयार है। अब यहाँ पर हम इसमें फुदने लगा लेंगे, तो इनको भी सिलाई लगा लेती हूँ मैं। तो ये देखिए इस तरह फुल्ली सिलाई करके लगा लिए हैं हमने। अब इनको हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह देखिए हमारा ड्रेस सिल के तैयार है।